Dear friends, welcome you all in my YouTube channel Agri Classes. तो friends, last video में हमने study किया था cooker beets में flower और fruit क्यों होता है, कैसे उसको control किया जा सकता है. तो आज के इस video में हम study करेंगे disease and pest management in cooker beets. इसके अंदर हम देखेंगे anthracnose, bacterial wilt, downy mildew, fusarium wilt, गमी स्टेम ब्लाइट, लीफ स्पॉट, पाउडरी मिल्ड्यू, वायरल डिजीज, विचेस ब्रूम और पेस्ट मैनेजमेंट. यानी इस वीडियो में हम इन सभी डिजीज और पेस्ट के मैनेजमेंट को स्टडी करेंगे. तो शुरू करते हैं. पहले डिजीज है एंथ्रेक्नोज. एंथ्रेक्नोज एक फंगल डिजीज है. यह कोलेटोट्राइकम ऑबिक्यूलर नामक फंजाई से होता है. और इसके स्प्रेड के लिए किस प्रकार की सिचुएशन की जरूरत है, इसके लिए रेनी कूल वेदर की जरूरत होती है. अगर यह रेनी और कूल वेदर सेवरल डेज तक बना रहता है तो एंथ्रेक्नोज हो जाती है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके क्या क्या सिम्टम्स है, कैसे हमें पता चलेगा कि यह एंथ्रेक्नोज है. इसमें येलो वाटर शॉक्ड एरिया दिखाई देते हैं पत्तियों पर, और यह एरिया ब्राउन टू ब्लैक कलर के स्पॉट्स में चेंज हो जाते हैं, और इनका जो सेंटर है उसमें शॉर्ट हॉल जैसी अपीयरेंस दिखाई देती है, और इसमें जो फ्रूट है वह ब्लैक सर्कुलर सनकन कैंकर की फॉर्मेशन में बनना शुरू हो जाते हैं. अब इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो एंथ्रेक्नोज को कंट्रोल करने के लिए जो ओल्ड कुकरबिट स्वाइन होती है उनको डिस्ट्रॉय कर देना है या उनको रिमूव कर देना है. इसी तरह इसके अंदर हमको क्रॉप रोटेशन करना है. जिस फील्ड के अंदर एंथ्रेक्नोज डिजीज आ गई है वहां पर हमें फसलों को बदलकर बोना है, वहां पर कुकरबिट्स क्रॉप को ग्रो नहीं करना है. इसी तरह इसको कंट्रोल करने के लिए सुटेबल फंजीसाइड का प्रयोग करना है. नेक्स्ट डिजीज आती है इसमें बैक्टीरियल विल्ट. बैक्टीरियम विल्ट जो है इरविनिया ट्रेकीफाइला बैक्टीरियम के द्वारा होती है, और इससे सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन कौन सी वेजिटेबल होती है, यह कुकुम्बर और कैंटालूप के अंदर सबसे ज्यादा दिखाई देती है. यह डिजीज स्ट्रिप्ड और स्पॉटेड कुकुम्बर बीटल के द्वारा स्प्रेड होती है. अब इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना है, बैक्टीरियल विल्ट डिजीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमको बीटल्स का कंट्रोल करना है. इसके लिए हमें सुटेबल इंसेक्टिसाइड जैसे कि कार्बराइल, बाइफेंथ्रिन इन सब का स्प्रे करना है. तो इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करने से पहले हमें किस बात का ध्यान रखना है कि जो हम इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं वह है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हमको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है, क्योंकि यह जो समय है वह हनी बीज के विजिट करने का समय होता है. उस समय हनी बीज पोलिनेशन करती है, तो गलत समय पर इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने से हनी बीज के पोलिनेशन की क्रिया रुक जाती है और वह खत्म हो जाती है. तो इस सब को अवॉइड करने के लिए 9 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक हमको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना है. नेक्स्ट डिजीज आती है पाउडरी मिल्ड्यू. पाउडरी मिल्ड्यू भी एक फंगल डिजीज है जो कि एरिसाइफी सिकोरस सेरियम और स्फेरोस्थेका फुलजीनिया के द्वारा होता है. इसके अंदर क्या होता है, इस डिजीज के स्प्रेड होने के लिए ड्राई वेदर विद हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है. इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके अंदर जो फ्रूट का साइज है और ग्रोथ है वह स्टंट रह जाती है. और यह सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है यह डिजीज, यह जो लेट प्लांटेड स्क्वैश होता है उसके अंदर यह सबसे ज्यादा प्रभावित करती है यह रोग. तो इसका कंट्रोल कैसे करेंगे, इसके लिए हमको पाउडरी मिल्ड्यू रेजिस्टेंट वैरायटीज को ग्रोन करना है और सुटेबल फंजीसाइड ट्रीटमेंट अप्लाई करना है. नेक्स्ट डिजीज आती है इसमें डाउनी मिल्ड्यू. डाउनी मिल्ड्यू भी एक फंगल डिजीज है जो कि स्यूडोपेरनोस्पोरा क्यूबेंसिस के द्वारा होती है, और इसके स्प्रेड के लिए भी मॉइस्ट कंडीशन का होना जरूरी है. यह है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लीफ डिजीज है कुकरबिट्स की. इसमें फ्रूट जो है वह अफेक्ट नहीं होता है,
इसमें कैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे? इसमें जो पत्तियों की अपर सरफेस है उस पर ब्राउन, येलो ब्राउन कलर के इररेगुलर मार्जिन वाले स्मॉल एरियाज दिखाई देंगे, और जो पत्तियों की लोअर सरफेस है वहाँ पर ग्रे मोल्ड डेवलप हो जाता है। तो कुछ समय बाद जो एंटायर लीफ है वह या तो विदर्ड हो जाएगी या डाई हो जाती है। इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? डाउनी मिल्ड्यू का कंट्रोल करने के लिए रेजिस्टेंट वैरायटी को यूज करना है और सुटेबल फंजीसाइड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आता है गमी स्टेम ब्लाइट। तो इसके नाम से ही हम समझ रहे हैं यह भी एक फंगल डिजीज है जो कि डिडीमाइला ब्रियोनी फंजाई के द्वारा होती है। इससे इसमें सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप इफेक्ट होती है? इसमें कुकुम्बर, कैंटालूप, पम्पकिन और वाटरमेलन जो है सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। इसके अंदर अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो यह एक सीड बॉर्न स्टेम और लीफ डिजीज है, और इसमें सिम्टम्स आएंगे जो पत्तियां होती है उसके ऊपर वाटर सॉक्ड रेडिश या ब्राउन स्पॉट्स दिखाई देंगे, और जो स्टेम होगा वह स्प्लिट कर जाता है और उसमें ब्राउन गमी सब्सटेंसेस दिखाई देते हैं, और इन्फेक्टेड वाइंस और स्टेम जो है कुछ समय पश्चात डाइड हो जाते हैं। फलों के अंदर फ्रूट रोट या ब्लैक रोशन अराइज होता है कि हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्रॉप रोटेशन लेना होगा। 2 से 3 साल तक हमें अदर क्रॉप को ग्रोन करना है, जैसे कि कॉर्न क्रॉप को। तो जो इन्फेक्टेड फील्ड होता है वहां पर हमें 2 से 3 साल तक कुकरबिट्स क्रॉप को ग्रोन नहीं करना है। इसी टाइप का कंट्रोल करने के लिए हमको सीमेंट करना होगा और सुटेबल फंगिसाइड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट इसके अंदर डिजीज आती है फ्यूजेरियम विल्ट। फ्यूजेरियम विल्ट भी एक फंगल डिजीज है जो कि फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम के द्वारा होती है। इसमें सिम्टम्स क्या है? इसमें जो फंजाई होता है वह रूट्स टू स्टेम मूवमेंट करता है, यानी जड़ों से लेकर तने में जाता है, और यह जो ओल्डर प्लांट होते हैं, ओल्डर इन्फेक्टेड प्लांट्स होते हैं, वह स्टंट विल्ट और डाइड हो जाते हैं। इनकी जो रूट्स होती है उनमें हनी ब्राउन डिस्कलरेशन दिखाई देने लग जाता है। इसका कंट्रोल करने के लिए हमको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो हम वैरायटी ग्रोन कर रहे हैं वह रेजिस्टेंट वैरायटी होनी चाहिए, और अगर हम केमिकल कंट्रोल की बात करें तो इसके लिए कोई सुटेबल केमिकल ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट इसमें आती है अल्टरनेट या लीफ स्पॉट। यह भी एक फंगल डिजीज है जो कि अल्टरनेरिया कुकुमेरिना नामक फंजाई से होता है। इसका स्प्रेड टूल्स, विंड, स्प्लैशिंग वाटर और इंसेक्ट के द्वारा होता है। इसके लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है? यह भी मोस्ट कंडीशन में ज़्यादा होता है। इसके लिए ड्यूज और रेन का होना जरूरी है। इसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती है उसके ऊपर स्मॉल सर्कुलर कंसनट्रेटिक रिंग्स, बुल्स आइस जैसे रिंग्स दिखाई देते हैं, और इसमें पत्तियां ड्रॉप कर जाती हैं। और इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? इसका कंट्रोल करने के लिए जो हमें डेस्ट्रॉयड इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनको रिमूव कर देना है, क्रॉप रोटेशन करना है, सीड ट्रीटमेंट करना है और सुटेबल फंगिसाइड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट आती है सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट। यह भी एक फंगल डिजीज है जो कि सर्कोस्पोरा फंजाई के द्वारा होते हैं। इसके जो स्पोर्स होते हैं फंजाई के वह विंड ब्लोन होते हैं, और यह स्प्लैशिंग वाटर के साथ कैरी किए जा सकते हैं। इस डिजीज के स्प्रेड के लिए 79 to 90 degrees फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होना जरूरी है। अब यह डिजीज जो है ओनली लीव्स तक लिमिटेड है। इसमें पत्तियों पर क्या होता है कि डार्क सर्कुलर इररेगुलर शेप्स के स्पॉट्स बनने शुरू होते हैं जो सबसे पहले ओल्डर लीव्स पर दिखाई देते हैं, और बाद में यह जो स्पॉट्स होते हैं उनके अंदर का जो सेंटर है वो ड्रॉप आउट हो जाता है और पत्तियों पर हॉल्स बन जाते हैं। तो इसका हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसका कंट्रोल करने के लिए हमको ओवरहेड इरिगेशन को अवॉइड करना है, यानी ऊपर से हमको स्प्रे करते हुए या छिड़काव करते हुए पानी नहीं देना है। इसी तरह जहाँ पर यह
सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट एक बार आ जाता है वहां पर हमको 2 से 3 साल तक कुकरबिट्स को ग्रो नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर वायरल डिजीज। तो इसके अंदर बहुत सी वायरल डिजीज है, जैसे कि कुकुम्बर मोज़ेक वायरस CMV जिसे कहते हैं, यह एक इंसेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसी तरह वाटरमेलन मोज़ेक वायरस भी इंसेक्ट ट्रांसमिटेड डिजीज है। नेक्स्ट इसके अंदर आती है ग्रीन मॉटल मोज़ेक, यह एक सीड ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि सबसे ज़्यादा कुकुम्बर में होती है। और नेक्स्ट वायरल डिजीज है बर्ड नेक्रोसिस, यह भी सीड से ट्रांसमिट होती है। तो वायरल डिजीज जो होती है उनके अंदर किस तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, इसमें मॉटल्ड क्रिंकल्ड और लाइट ग्रीन कलर की पत्तियां दिखाई देती हैं और जो फ्रूट होते हैं वह इररेगुलर शेप्ड मॉटल्ड और वॉर्टी फॉर्मेशन होती है। इसका कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो हमको जो ये वायरस को फैलाने वाले इंसेक्ट है उनका कंट्रोल करना है, और दूसरी बात यह है कि जो इन इंसेक्ट को शरण देते हैं उन वीड्स को हमको कंट्रोल करना है। अब नेक्स्ट आते हैं अदर डिजीज। अदर डिजीज के अंदर हम देखें तो सबसे पहले है येलो वाइन। येलो वाइन होती है सेराशिया मार्सेंस के द्वारा। और नेक्स्ट डिजीज है विचेस ब्रूम। विचेस ब्रूम का वेक्टर होता है माइकोप्लाज्मा, यह भी एक इंसेक्ट ट्रांसमीटर डिजीज है और इसको लीफ होपर फैलाता है। इसके सबसे ज़्यादा प्रभावित क्रॉप है बिटर कार्ड यानी करेला। इसका कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना है, इंसेक्ट को कंट्रोल करना है और वीट कंट्रोल करना है। फिर नेक्स्ट आता है पेस्ट मैनेजमेंट, कि हम कीटों का कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें लगने वाला इंसेक्ट है रेड पम्पकिन बीटल, यह सबसे ज़्यादा मार्च से अप्रैल में फसलों को प्रभावित करता है और इसकी जो ग्रब और अडल्ट स्टेज है वह सबसे ज़्यादा हानिकारक अवस्था होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमको क्या करना है, इसके लिए कार्बोफ्यूरॉन 3 ग्राम 7 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से और मिथाइल पैराथियन 2% डस्ट को 20 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ में लेना है। इसी तरह नेक्स्ट इसमें इंसेक्ट है फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई की मैगेट स्टेज जो है वह हानिकारक अवस्था होती है। इसके अटैक का हम के कौन से सिम्टम्स दिखाई देंगे, जब यह क्रॉप्स फ्रूट फ्लाई से अफेक्ट हो जाती है तो इसमें प्री मेच्योर फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, सॉफ्ट और रोटन फ्रूट फॉर्मेशन होने लग जाती है। इसका कंट्रोल करने के लिए बाइट स्प्रे का प्रयोग किया जाता है। इसमें 50 ml मेलाथियन 35 EC 0.5 kg को गुड़ के साथ 50 L वाटर के साथ इसको सॉल्यूशन बनाकर स्प्रे करना है। नेक्स्ट है रेड स्पाइडर माइट। यह माइट क्या करती है कि पत्तियों की जो निचली सतह होती है वहाँ पर वेब फॉर्मेशन करती है और पत्तियों से जो सैप है उसको सक करती है। इसका कंट्रोल करने के लिए डाइकोफॉल 50 EC 1.5 ml पर लीटर के साथ इसको कंट्रोल करना है। इसके अलावा अदर इंसेक्ट में आता है इसका थ्रिप्स। थ्रिप्स भी एक सैप सकिंग इंसेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुकरबिट्स में लगने वाली डिजीज और पेस्ट की स्टडी की है, कैसे इनको कंट्रोल किया जा सकता है या इनके क्या क्या सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इन कुकरबिट्स, यानी कद्दू वर्गीय सब्जियों में कौन कौन से शरीर क्रियात्मक विकार आते हैं। तो फ्रेंड्स, होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर